नमस्कार, कार्यक्रम सितारों की दुनिया में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके लिए दो विषय लेकर आए हैं। पहला तो ये, जो हमारे बहुत से NRI दर्शक हमारे भक्तों ने पूछा है कि जनेऊ पहनते क्यों हैं और जनेऊ पहनने के क्या लाभ हैं, और दूसरा बहुत से बच्चे और बच्चियों के और उनके माँ बाप के हमें कॉल्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं, जिनका ये कहना है कि बच्चे की शादी नहीं हो रही, कोई बहुत सॉलिड सा उपाय बताइए। चलिए चलते हैं हमारे पहले विषय पे कि जनेऊ पहनने के क्या लाभ हैं। आप सभी जानते हैं कि पुराने समय में एक बच्चे को सिर्फ 8 वर्ष की उम्र होते ही उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया जाता था, यानी कि जनेऊ संस्कार। लेकिन आजकल तो यह प्रथा कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। जनेऊ का सीधा सीधा संबंध हमारी सेहत के साथ है। पहले जमाने में जनेऊ पहनने के पश्चात ही बच्चे को पढ़ाई करने का अधिकार मिलता था। तो जब भी वो यूरिन करता है या वो स्टूल पास करता है, तो हमेशा होता था कि जनेऊ को वो अपने कानों के साथ कस के 2 बार लपेट लेता था। कानों के पीछे की जो नसें हैं उनका सीधा संबंध है पेट के साथ, पेट की अंतड़ियों के साथ। अंतड़ियों पे वो दबाव डाल के जैसे ही जनेऊ को हम लपेटते थे, अंतड़ियों को पूरा खोलते थे और उससे स्टूल पास करने में आसानी होती थी, कॉन्स्टिपेशन उसको नहीं रहती थी। तो इसी समय में जनेऊ उसके वेग को जो प्रॉपर देता था, और इसी कारण बच्चे को एसिडिटी, कब्ज, पेट के रोग और यूरिन के रोग, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, ये रोग नहीं होते थे। जनेऊ पहनने वाला नियम से बंधा होता था कि एक नियम उसके लिए ये भी होता था कि जब भी वो अपना कहीं भी जाकर टॉयलेट या स्टूल पास करता है, तो ऐसी हालत में वो जनेऊ को उतार नहीं सकता था जब तक कि वो हाथ पांव धो के कुल्ला ना कर ले। अच्छी तरह से सफाई करने के बाद ही वो कान से जनेऊ उतारता था। ये सफाई उसे दांत, मुंह, पेट, फिर जितने भी जीवाणु या पेट के कीड़े उनसे बचाती थी। सो जनेऊ का सबसे ज़्यादा लाभ होता था हृदय रोगियों को। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जनेऊ की प्रथा अब भी बच्चों में होनी चाहिए। इसको धर्म से लेके ना जोड़िए बल्कि सेहत से लेके जोड़िए। अब दूसरा टॉपिक, जैसे बहुत से माँ बाप ये कहते हैं कि बच्चे की शादी नहीं हो रही। प्रिय दर्शकों, अगर ऐसा हो रहा है तो एक प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं जो आपको 42 दिन तक करना है। इस प्रयोग को नवरात्रों में भी कर सकते हैं या किसी शुभ मुहूर्त में भी। इसके लिए आपके घर में तुलसी का पौधा बहुत जरूरी होना चाहिए। वैसे तुलसी हर घर में ही होनी चाहिए। सो मिट्टी के दीपक बाजार से आपने खरीद के लाने, रुई की बत्तियां आप घी में भिगो के रख दीजिए। इस प्रयोग को आप शुक्ल पक्ष की पहली तारीख से आरंभ करेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। सायंकाल के समय आप हाथ पांव मुंह धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर, साफ वस्त्र पहनकर, तो एक फ्रेश वस्त्र जो हो, फिर आपने बैठना, एक फुल बत्ती जो घी से भिगो कर रखी हुई है वो भी रखनी है, और फिर मिट्टी के दिए में आपने उसको जला देना, तुलसी की परिक्रमा करनी है, और हाथ जोड़कर गरुड़ वाहनी माता लक्ष्मी जी और विष्णु जी से अपनी मनोकामना प्रकट करनी है कि हे माँ, इस बच्चे की या इस बच्चे की शादी हो जाए। दूसरे दिन फिर दीपक जलाना है, 2 दीपक, 2 परिक्रमा करनी है। तीसरे दिन 3 दीपक जलाने हैं, 3 परिक्रमा करनी है। संख्या बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। 21वें दिन 21 दीपक जलेंगे, 21 परिक्रमा होगी। इस तरह कुल चलते 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 एंड में 42वें दिन 42 दीपक और 42 परिक्रमा हो जाएगी। इस तरह से आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते रहें। अगर इस टाइम पीरियड में कोई पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है, तो उस समय कन्या उन दिनों को दीपक नहीं जलाएगी और ना ही परिक्रमा करेगी, और ये जो दिन होंगे ये दिन बाद में ऐड करेंगे ताकि ये प्रयोग खंडित ना हो जाए। सो प्रिय दर्शकों, प्रथम दिन से ये प्रयोग आरंभ करना होगा। ध्यान रहना चाहिए कि मिट्टी के सभी नए दीपक होने चाहिए। एक बार दीपक को प्रयोग किया था उसको धोकर दोबारा आपने यूज नहीं करना। तो ये आप जरूर आजमाइएगा। हमें पूरा यकीन है कि आपकी मनोकामना इससे जरूर पूरी होगी, आपके बच्चे की शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी नॉलेज मिले। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सिंपली अपना नाम, सिटी नेम और कंट्री नेम हमें भेज सकते हैं। अब आज का राशिफल। मेष राशि वालों को आज अचानक बाजार में से चलते चलते किसी से झगड़ा हो सकता है और लड़ाई हो सकती है, जबकि वृष राशि वाले झूठी गवाही ना दे नहीं तो आज पुलिस के चक्कर में फंस जाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए हवाई उड़ान आपका इंतजार कर सकती है, जबकि कर्क राशि वालों की माताजी की सेहत ढीली हो सकती है। सिंह राशि वाले जातक जो है आज नेम फेम काफी मिलेगा, जबकि कन्या राशि वालों को पॉलिटिकल लोग अपने मकसद के लिए आज यूज करेंगे। तुला राशि वालों के लिए मान सम्मान वाला आज दिन होगा। वृश्चिक राशि वाले
दूर दराज से अच्छे संदेश आ सकते हैं। धनु राशि वाले फोन की पहली घंटी कोई दुखद समाचार सुना सकती है। मकर राशि वालों के लिए आज नौकरी जा सकती है और कुंभ राशि वाले अदालत में हार हो सकती है। और मीन राशि वाले आज का दिन आप समाज में हर जगह छाए रहेंगे। तो बहुत से दर्शक पूछते हैं कि सुखविंदर जी, हम भी आकर आपसे मिलना चाहते हैं, तकदीर का हाल जानना चाहते हैं, आपसे रत्न रुद्राक्ष लेकर पहनना चाहते हैं, वास्तु का विजिट करवाना चाहते हैं या नक्शा चेक कराना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, इन सभी चीजों के लिए सबसे पहले आप समय ले सकते हो, फिर आकर पूछ सकते हो या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए, एस्ट्रोलॉजर सुखविंदर, 30G श्राबा नगर, लुधियाना, पंजाब, इंडिया। फोन नंबर 9417020533 और व्हाट्सएप नंबर है 9872620533। जाने से पहले रोज वाली बात को दोहराएंगे कि जब भी घर से जाते हैं माँ के चरण छूकर मस्तक से लगा के जाएं, आपकी तकदीर के सभी दरवाजे खुल जाएंगे। पिताजी का आशीर्वाद लेके जाइए, गुरुजनों को बताए हुए रास्ते पर चलिए, झूठ मत बोलिए, गालियां मत दीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, तकदीर बहुत अच्छी होगी। बेटियों को कोख में मत मारिएगा, नशे मत कीजिएगा और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकाल के नेक कामों में जरूर लगाइएगा, फिर कुंडली दिखाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।